ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी शैल बी डूइंग द डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। असी किस तरह लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे नूं पहचान सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल टेक्नीक्स जिसना सिर्फ तुसी एक ऑब्जर्वेशन है थोड़ी। जे तुसी एज अ टीचर बड़े ध्यान नाल अपने बच्चों नूं देखते हो तो उन्हां वल ध्यान थोड़ा ज़्यादा दोगे तो पहचानिया जाएगा। बहुत स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है। वंस तुहानूं लगता है कि बच्चे नूं लर्निंग डिसेबिलिटी है, दैन उहनूं आपां साइकोलॉजिस्ट को लैके जाके उहदे स्पेसिफिक टेस्ट करवा सकते हैं। सो इहदे विच फर्स्ट पॉइंट की है कि जे सानूं एज अ टीचर ये लगे कि बच्चा जो कर रहा है उसकी जो एबिलिटी है जिन्नी उसकी एप्टीट्यूड है मतलब जो वो कर सकता है वो तो जो एक्चुअल जो कर रहा है उसके बीच फर्क है। सो व्हेन द चाइल्ड सपोज आप कहने कि मेरा बच्चा है जो 90% मार्क्स ले सकता है बट उसकी परफॉर्मेंस 40% पर खड़ी है, यू नो दैट द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस मार्क्स। सो उसके गैप हो गया बिटवीन वॉट ही कैन डू एंड वॉट ही इज डूइंग। तो जो बच्चा अपनी पोटेंशियल से लिव अप ना करे, अपनी काबिलियत से जो बच्चे दी एबिलिटीज़ हैं उन्हां दे मुताबिक बिहेवियर या परफॉर्मेंस थोनू ना शो करे, दैन यू कैन से कि द चाइल्ड इज मे बी सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी। सो जिसके विच आपां नूं किवें पता लगेगा, नॉर्मली नॉर्मल उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जिवें सपोज एक बच्चा है पर वो एसेस बहुत वधिया लिखता है, बहुत वधिया लैंग्वेज दे विच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट जदों मैथ्स की असाइनमेंट आती है उस विच नहीं कर पाता। उसे तरह एक बच्चा क्लास ओरली तो आंसर्स दे देता है बट जो तुसी उस आंसर्स नूं लिखन लई बच्चे नूं कहने हो तो थोनू आंसर्स नहीं लिख के दे पा रहा। एक बच्चा आम देखन थोनू पता है कि इज एन इंटेलीजेंट चाइल्ड बट उसके रिपोर्ट कार्ड विच वो इंटेलीजेंस नहीं दिखती। सो दैन वैन यू नो दैट द चाइल्ड हैज़ कैन डू मच बैटर, इस तो वध कर सकता सी बट वो नहीं कर रहा, उसकी ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट विच परफॉर्मेंस उसकी काबिलियत नालों नीवी है, दैन वी कैन से द मे बी द चाइल्ड इज़ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। दूसरा पॉइंट की है, कोशिश ही ना करनी। इफ यू थिंक द चाइल्ड इज़ ओवर लेजी, लोड़ तो वध आलसी है, थोड़ा थोड़ा सारे बच्चे आलसी होंगे ने, बट दैन एक बच्चा जिसनों बार 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 किसी चीज़ में दसना पवे एंड फिर दसने तो बाद भी उसके काम करने का यत्न भी ना करे, ट्राई भी ना करे, दैन ऑलसो मे बी द चाइल्ड मे हैव सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। दैन थर्ड इज़ ऑफ ट्रैक, तुसी कह कुछ हो रहे हो कार बच्चा कुछ हो रहा है। तुसी सपोज बच्चे नूं कहने हो कि वो देख सी इन्हें कह कि डिफिकल्टी इन मूविंग डायरेक्शन, तुसी बच्चे नूं कह बेटे इतों राइट जायो, सपोज तुसी उरे खड़े सी, तुसी बच्चे नूं कह बेटे राइट जायो, राइट जाके उस इस रूम विचों समान लेके आना एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उन्होंने समझ ही नहीं आया कि मैम ने मैनू किधर जाने लई कहा, डे ड्रीमिंग करते रहना, शेक चिलीपन कितने होर ही गवाचे रहना, बोर्ड तो देख के चीज़ में कॉपी ठीक ना कर पाना। जिवें नॉर्मली ये दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा विजुअली इंपेयर्ड भी हो सकता है बट जे तुहानूं पता है कि नहीं मेरे बच्चे की आईसाइट बिल्कुल ठीक है उसके बावजूद तो बोर्ड तो देखी चीज़ में लिख नहीं पा रहा या तुसी बोर्ड पर कुछ होर लिखो अपनी नोटबुक कुछ होर ही नोट डाउन कर रहे, असाइनमेंट नहीं याद रहती एंड जे याद रहती तो उन्होंने सही तरह नहीं कर पाता, मतलब उन्होंने आप कहने ऑफ ट्रैक होना, अपनी सही ट्रैक पर मूव ना करना। यह जे बच्चे की जो वर्किंग मैमरी है, सो नॉर्मली यू हैव टू काइंड ऑफ मैमरीज, वन इज़ योर लॉन्ग टर्म मैमरी जिद अपनी इनफॉर्मेशन स्टोर होंगी है, सैकेंड इज़ योर शॉर्ट टर्म मैमरी जो कि थोड़ी की होंगी है वर्किंग मैमरी होंगी है, जिद चो तुम जिमें आप कि अपने घर के जी अलमारी तुम हूँ अपने कपड़े रखे होंगे थोड़ी वर्किंग अलमारी है, ट्रंक है जो थोड़ी लोंग टर्म मैमरी है। सो इन बच्चों की वर्किंग मैमरी के प्रॉब्लम होंगी है, राइट। दैन फोर्थ पॉइंट इज़ हाइडिंग आउट, लुक जाना, जो तो मैम क्लास चाहे लुक जाओ किसी के पिछे भी मैंने देख ही ना, जो मैंने देखे नहीं तो नॉर्मली ना मैंने कोई प्रोजेक्ट देंगे या क्लास में हमेशा पिछे बैठना या क्लास के किसी गल में जो तो टीचर ने क्वेश्चन पूछना हैड डाउन कर लेना कि मैनू ना पूछ लैन, अपने आप में लुकाना क्लास में, इस दे बिल्कुल उल्ट हों एक बच्चा जो लोड़ तो बाद दिखे क्लास में एक्टिंग करना। सो जिमें एक बच्चा जिन्होंने पता है कि मैं डेफिशियंट हाँ ही बिकम्स अ क्लास क्लाउन एंड मेक्स एवरी वन हैप्पी, सारे वो आले दुआले घूमते रहते हैं या प्रिटेंड करना कि आई डोंट इट डजेंट मैटर टू मी, वो छोड़ कोई गल नहीं होमवर्क नहीं किया। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग अननोटिस्ड बच्चा अपने वाल ध्यान ही केंद्रित करता रहता, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन ऑलसो बी शोन बाय सम लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, राइट। होमवर्क मिस करना, नॉर्मली द नंबर ऑफ किड्स जो अपना होमवर्क मिस करते हैं बट इफ यू रेगुलरली नंबर एवरी टाइम इफ द चाइल्ड इज मिसिंग हिज होमवर्क दैन यू नीड टू लुक फॉर इट। नॉर्मली ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे नूं याद ही नहीं रहिंदा कि मेरा होमवर्क ही मिलिया सी, राइट, टोटल वाइप आउट ही हो गया भी अच्छा मैम ने होमवर्क दिता सी, भुल तो तुसी भी जानते हो भी अच्छा मैम ने असाइनमेंट दिती सी, बट दैन आपां तां जान के भुल जाने ना, जे सच्ची उन्हें याद रहिंदा दैन गो फॉर योर टेस्ट, मे बी असी लर्निंग डिसेबल्ड हुई है या असी होमवर्क कर तो लिया सी बट होमवर्क तो घर का काम सी, उस स्कूल क्यों लैके आना सी, वो तो घर छड़े आए असी, एवें का भी काम होंगे ना कि आप कहने मैम किया तो है लेकिन रजिस्टर कर रह गया हूँ सच्ची कर रह गया या असी जान के छड़े आए घर, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो एवरी चाइल्ड इफ रूटीनली थोड़ा होमवर्क नहीं कर रहा
देन यू नीड टू हैव अ क्लोजर लुक की प्रॉब्लम है उस बच्चे की। दैन टाइमिंग प्रॉब्लम्स, जे एक बच्चे नॉर्मली टाइम मैनेजमेंट नाल प्रॉब्लम हो, जिवें 3 घंटे के पेपर दे विच प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर पाया, हर टाइम थोड़ा लगता कि लोड तो बाद टाइम बच्चा अपने काम को पूरा करने लिए लगता, चाहे वह असाइनमेंट करनी हो, चाहे शूज पाने हो, बट जिन्ना टाइम उसको लगाना चाहिए उस तो बाद टाइम लगा रहा है। एंड कई बार पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि होमवर्क कराने सानू सारी सारी रात लग जाती है, बच्चे सारी रात तो आप भी ला दें प्रोजेक्ट्स खत्म करने लिए, बट दैन अदरवाइज जे जेन्युइनली बच्चा एवरी टाइम टेक्स लोंग टाइम टू कंप्लीट द वर्क, हर रोज़ स्कूल लेट हो जाना, एवरी डे यू मिस योर बस, दैन अगेन दैन दिस इज समथिंग यू नीड टू नोटिस। टेस्ट को लेकर स्ट्रेस होना नॉर्मली सबनों होंगे, पर लोड तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिवें एंड दे विच तुसी हमेशा टेस्ट नू करन लगी फाहा वड्डन वाला काम होना, हैंड राइटिंग वधिया ना होना, जिन्ने मर्जी रिमाइंडर्स दे दो टेस्ट मिस आउट कर देना बच्चे नू, लोड तो बाद एनजाइटी होना एंड फेल हो जाना बार बार इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तुसी पढ़ के आए हो, उसके बावजूद क्लास दे विच बच्चे का परफॉर्मेंस लो होना। सेकेंड लास्ट पॉइंट रिलेट्स टू योर इमोशनैलिटी। मैनी टाइम्स आपने देखा कि इस बच्चे की जी सैल्फ इस्टीम है अपने आप को लैके अपनी विचारधारा काफ़ी लो होंगी है, नॉर्मली बच्चा हर बार जो अपने आप को नीवा ही समझता है तो डिप्रैशन फ्रस्ट्रेशन ये आम तौर पर इन्होंने बच्चों देखे गया, क्योंकि लगता है हमेशा मैम किसी तारे जमीन पर भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर जो बच्चा फेस कर रहा है। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक ऑफ द मूवी विद यू सो दैट तुसी अपने उस देख सको। दिस वॉज समथिंग कि जो बच्चे बार बार क्लास चेट कम मिली जाएंगे, जो क्लास तो बाहर क्ढी जाओगे तो दैन डेफिनेटली बच्चों की जी सैल्फ इस्टीम है लो हो जाती है। सेकेंड है स्कूल रिलेटेड एनजाइटी, मैं स्कूल जाना ही नहीं, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू मिस आउट द स्कूल, जिम्मे स्कूल का नाम लेंगे तो चाइल्ड फॉल सिक, एवं की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड है अपनी सैल्फ रेगुलेशन, तुम्हें माड़ा जहा कोई काम दिता द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, माड़ा जहा टीचर ने झिड़कता टीचर क्या बैठ जाओ तो डिगी जाता है, सो द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू मैनेज रेगुलेट हिमसैल्फ। सो इस तरह दें प्रॉब्लम्स बच्चे के बच्चे आन दैन ऑल्सो वी नीड टू लुक फर्दर इन टू द कॉजिज ऑफ द प्रॉब्लम। दैन अवॉयडेंस, अवॉयडेंस होंगे कि जॉमली बच्चा जो स्कूल सिचुएशन अवॉयड करे, He doesn't want to go to school. This can be load तो बाद absent होना थोड़े चो भी काफ़ी होंगे ना, कदम आप यूनिवर्सिटी पैर रख के देखे ही नहीं तो सोच लो भी क्यों होंगे हो रही। दैन स्टेइंग होम सिक, जिन्हें टेस्ट हो खास करके या हनीप मैम ने कोई अज असाइनमेंट लेनी हो, दैन वी स्टे प्रेफर टू स्टे होम राइट, किसी चैलेंजिंग ईवेंट पार्टीसपेट नहीं करना, ये भी आप काफ़ी बहाने लगाने हैं। लोड तो बाद वॉशरूम जाना, जिमें मैम ने कहा लास्ट क्वेश्चन नाउ मैम मे आई गो टू वॉशरूम, फिर वापस ही ना आना क्लास में, या क्लास बंक करनी या पूरे स्कूल नू बंक कर लेना, दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम समटाइम्स जो ये बच्चे शो कर देने राइट। सो दीज आर जनरल बिहेवियरल ट्रेट्स, आप कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं किते कि स्पेसिफिक इस रीजन नहीं किते बिकॉज वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल, बट देन स्टिल इज अ जनरल, क्योंकि एज अ टीचर तुम सब तो पहले ऑब्जर्व ही करोगे, स्पेसिफिक टेस्ट आप बाद चो करते हैं बच्चे के। दिस वॉज अ रिपीट स्लाइड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक्स इन दिस, so thank you, this was all about the different types of learning disabilities and what we can do to or how we can identify this learning disability. Just remember as a teacher, if you help your students with learning disability get the attention and support that they need to do better and feel better, this will benefit them as a student both in the school and out for years to come, and thonu sada yaad rakhenge. So as a teacher please pay attention to such kids. And this was a very important slide which says LD doesn't mean that they are learning disabled. LD means they just learn differently. So different tarah learn karde ne. And jaise is cheez nu identify kar liye, we can help children to become what they actually can become. I'll share you a few learning disabled people, their photographs, and then you can see how much they have achieved in their life. So if we can help them, then this will be very good as a teacher. Thank you.